तुम्हारी ये दोस्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती हाँ तो तुम्हें उसे समझने की जरूरत भी क्या है? यार। मुझे उसके रवैये से ये लग रहा था कि वो हमें जता रही हो कि उसने अपने लिए कोई मास्टरपीस लड़का पसंद किया है। खुदा करे कि ये सच हो। आई स्वेयर मुझे बहुत खुशी होगी अगर शांजी की जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आ जाए। आ ही ना जाए। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने उस लड़के के एक्सप्रेशन देखे थे? हमें देखकर वो काफी अनकंफर्टेबल हो गया था। अच्छा, हाँ मैंने तो नोटिस नहीं किया। खैर जो भी है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि शांजे खुश है। अच्छा, अगर वो खुश भी थी तो ये कैसी खुशी है कि उसने तुमसे शेयर नहीं की? डिस्टर्ब नहीं करो अभी। उसे नहीं कर रही। सत्तार, हाय रमला, तुम तो गुम ही हो गई हो। मैं तो यही हूँ आंटी, शांजे मसरूफ है लगता। बेटा कहाँ मसरूफ है, पूरा दिन बोर होती रहती है। वैसे तो तुम और फाइक भी तो अब बहुत बिजी होते हो ना। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि फाइक को लेकर साथ डिनर पे आ जाओ, बल्कि आज ही आ जाओ। कैम को कहती हूँ पूल साइड क्रैब बारबेक्यू करे। जी आंटी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, मगर आज नहीं, फिर किसी दिन। चलो ठीक है, जब भी आप अवेलेबल हो आप मुझे जरूर बता देना, लेकिन एक दिन पहले। अच्छा आंटी, एक बात तो बताएं, ये शानी कौन है? कौन शानी? शांसे के साथ था। आंटी मुझे तो लगता है कि शांजे ने आप लोगों की मुश्किल आसान कर दी है। You mean to say, हाँ हाँ, शांजे ने मुझे खुद बताया। मुझे तो यकीन ही नहीं आया, इसीलिए सोचा कि आपको कॉल करके कंफर्म कर लूं। हाँ एक्चुअली रमला, एक सेकेंड, जो जो 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ ओके बाय। हाँ बेटा, बेटा मुझे कहीं जाना है, फिर मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगी, या फिर बस आप प्लान बनाओ और आ जाओ। अल्लाह हाफिज। सत्तार, इसका मतलब आंटी ये बात नहीं जानती। यार मुझे तो लगता है वो लड़का भी इस बारे में कुछ नहीं जानता होगा। चले आप ठीक। हाँ हेलो नादिया, कैसी हो? चौंका दिया ना अचानक फोन करके। जी वाकई चौंका दिया आपने। फोन क्यों उठा रही थी मेरा? क्या इतने दिन बाद फोन करने की सजा दे रही हो? दिनों बाद नहीं खावर, महीनों बाद। बस क्या बताऊं यार, मसरूफियत ही बहुत होती है यहाँ। मसरूफियत में अपनों को भूल जाते हैं क्या? भूला नहीं, भूलता तो कॉल ना करता। मैंने ही कॉल किया ना आखिर। और सुनाओ, घर पे सब खैरियत है? सब ठीक। अम्मी ने बताया कि शानी की बहुत अच्छी जॉब लगी है। बहुत खुशी हुई मुझे, मैंने सोचा फौरन से मुबारकबाद देता हूँ। खैर मुबारक। और देखा जाए तो ये हम सबके लिए खुशी की बात है, मेरा भी तो रिश्ता है उससे, होने वाला बहनोई लगता हूँ उसका मैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? लगता है मेरे फोन करने की खुशी नहीं हुई तुम्हें। यकीन तो कर लूं पहले, खुश बाद में हो जाऊंगी। अरे भाई बस कर दो तंज। कर तो ली कॉल, कर लिया करूंगा कॉल तुम्हें। अब सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। वो क्या? मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। कर लो तैयारी शादी की, अम्मी कुछ दिनों में आएंगी बात करने के लिए। क्या वाकई? हाँ कसम उठाऊं क्या, फिर यकीन आएगा? नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो बस तुम तैयारी करो और मैं जल्दी आता हूँ, मिलता हूँ और फोन कर लिया करूँगा तुम्हें। और तुम जो है ना, वादा करो कि बगैर नाराजगी के बात कर लिया करोगे। जी। नादिया आई अम्मी। अच्छा आंटी को सलाम देना और
मुबारकबाद मैं खुदा के दूंगा उनको। ख्याल रखो, फिर बात होती है। बाय। जी, किसका फोन था? आपको यकीन नहीं आएगा अम्मी। तुम्हारे चेहरे की रौनक देखकर कुछ तो शक पड़ रहा है मुझे। खाबर का फोन था अम्मी। अच्छा, मुबारकबाद दे रहे थे और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि अगले महीने आ रहे हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। देख लिया तुमने कि जब वो नवाजने पर आता है ना तो एक एक करके गुत्थियां सुलझती चली जाती। बेशक अम्मी, ये सब आपकी दुआओं, अल्लाह की मेहरबानी और शानी की किस्मत से है। बेशक बेटा, बेशक। अच्छा, तुम्हें अगर मार्केट जाना है ना तो जुगनू आ गया है, उसके साथ चले जाओ। ठीक, जाओ। या अल्लाह, तेरा करम है मालिक, शुक्र है तेरा। महबूद किस मुंह से तेरा शुक्र अदा कर। वैसे रमला, इतनी बड़ी बात हमसे कभी डिस्कस नहीं की गई, और मैं तो यही समझता रहा कि तुम्हारी दोस्त को हर मर्द से एलर्जी है। आपने गलत समझा, शानी जैसा कोई दूसरा होगा तो भी मुझे एलर्जी नहीं होगी। But I'm sure, शानी जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। I think हमें चलना चाहिए यहाँ से। Are you guys? Yes. तुमने अच्छा नहीं किया शानी। अच्छा मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया मेरे साथ? इंसल्ट की है तुमने मेरी वहां से जाकर। इंसल्ट आपने किया मेरे? आप सोच भी किस तरह सकती हैं कि मेरे बारे में इस तरह की कोई गलत राय कायम करेंगी आप? शानी, मैंने तुम्हारे बारे में कोई गलत राय कायम नहीं की है। पर अपनी फ्रेंड के सामने आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो क्या था मैम? सच था, मगर शायद तुम्हें अपने बारे में अच्छा सुनने की आदत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि इस बात का जवाब मिल जाएगा आपको बहुत जल्द। बाय। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ रहे। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे की दवा, गम हो चाहे या सदा। Excuse me, sir. Sir, I'm sorry, मैं जवाब नहीं कर सकता, इसलिए कि आपकी बेटी के पहले ही मुझ पर बहुत एहसानात हैं। पहले उन्होंने मुझे बाइक दी, फिर ये जॉब। मैं दोनों चीज़ें वापस कर, ये बाइक की चाबी यहाँ रखी है सर, नीचे पार्किंग में खड़ी, और ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर मैं उस शान से क्यों और एहसानात कबूल नहीं कर सकता। मैं जॉब छोड़ रहा हूँ सर। थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड। शायान, आप
क्यों कर रहे हो ऐसा? ये जॉब तुम और तुम्हारी फैमिली की जरूरत है, मत करो ऐसे गलत हरकत है। जो भी है शांजा मैम, अगर आपको मेरा रिजाइन करना गलत लग रहा है तो गलती सही, लेकिन दरअसल गलत आपने किया है, मैंने नहीं। मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं सुनना, और ना ही कोई बात करनी है आपसे। शायान, मुझे सफाई का मौका तो दो। कैसी सफाई? अगर मैंने इस वक्त आपको यहाँ नहीं रोका ना शांजे में, तो आप ना जाने मुझसे क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे, जो शायद मैं कभी पूरी ना कर सकूं। अल्लाह हाफिज़। तेरे गम ये सारे हो गए हमारे, तेरी ओर आ जाएंगे तू अगर पुकारे। आशिकी का मतलब तूने हमको सिखाया, जिसे पाके खो देते हैं वही सरमाया। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हुआ जल्दी आ गए? जी अम्मी, क्या हुआ अगर जल्दी आ गया तो? बेटा नई नई नौकरी है ना, इसलिए फिक्र होती है। ना किया करें फिक्र, अल्लाह है ना सबब बनाने वाला, बना देगा कोई और सबब भी। अल्लाह खैर करे, क्या बात है, किसी से लड़के आए हो? सच सच बताओ मुझे। अरे किसी से झगड़ा नहीं हुआ अम्मी, अम्मी जॉब छोड़ दिया मैंने, मैं मजीद नौकरी नहीं कर सकता। दिमाग तो सही है तुम्हारा, अरे इतनी अच्छी नौकरी और तुम कह रहे हो नहीं करनी? अल्लाह अल्लाह करके घर के हालात बेहतर होते हैं तो तुम नौकरी छोड़ के बैठ जाते हो? माँ और बहन हर नमाज के बाद शुक्राने के नफल अदा कर रही हैं और तुम हो के नौकरी छोड़ के बैठ गए? हद होती है नाशुक्री की। किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती है। क्या हाल है जनाब आपके? ठंडे ऑफिस के मजे लूट रहे हो ना? मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ वापस, तुम मैनेजर से बात कर लेना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ठीक है दिमाग, इसलिए उस लड़की की सारी मक्कारियां समझ में आ गई। किसकी मक्कारियां? वे शांजे की बात कर रहा हूँ यार। यार क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो उसके बारे में, क्या हो गया है तुम्हें? यार वो लड़की मुझे किसी और ही चक्कर में फंसा रही थी, सबके सामने मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करा रही थी जैसे जैसे मैं उसके लिए कोई खास हूँ। अच्छा मैं चक्कर लगाता हूँ तुम्हारे पास, फिर बात करते हैं। हाँ पर बात सुन यार, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं फ्री होकर आता हूँ ना तुम्हारे पास। यार ये क्या हुआ है? मम्मी ने बता दिया ना तुम? हाँ कि तुम जॉब छोड़ के आ गए हो? तो और क्या जानना है? वजह? जिस नौकरी की वजह से सुबह तक तुम्हारी आंखों में इतनी चमक थी और जिसकी वजह से मैं और अम्मी तुम्हारी नजरें उतार रहे थे, वो नौकरी तुमने अचानक छोड़ दी, क्यों? अल्लाह ने ये जॉब दी है ना, क्यों और भी दे देगा, तुम इतनी परेशान ना हो। शानी कोई और जॉब मिल गई और इतनी अच्छी सैलरी ना हुई, और जरूरी भी नहीं है कि उस नौकरी की वजह से तुम्हें सजीला मिले। बात हुई थी सुबह उससे, बहुत खुश थी वो, सोचने लगी है तुम्हारे बारे में,
इतने बेवकूफ तो हो नहीं तुम कि तुम्हें पता ना हो कि वो क्यों सोचने लगी है तुम्हारे बारे में? क्यों तुम अपनी खुशियों के दरवाजे खुद पर दोबारा बंद करना चाहते हो शानी? चल। मैंने तो सोचा था कि दोबारा तुम्हें मुमाने के पास लेकर जाऊंगी रिश्ते की बात करने, लेकिन तुमने तो सारी उम्मीदों पे पानी फेंक दिया। अम्मी अब आप सजीला की तरफ जाएंगी ना तो देखिएगा वो दरवाजा भी नहीं खुलेगी हमारे लिए। क्यों खुद पर ताले लगा रहे हो? अपना और बहन का घर अगर आबाद हो रहा है तो हो लेने दो। बहन का घर? खावर का फोन आया था मुबारकबाद देने के लिए, अगले महीने आ रहा है वो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता शानी, रहम खाओ हम पर। जिससे भी लड़कर आए हो जाकर उससे माफी मांग लो। ये क्या कह रही हैं आप? अगर तुम नहीं जा सकते तो मुझे ले जाओ, मैं माफी मांग लूंगी उससे। जब मेरी मजबूरियों को मेरी आंखों से बेहतर देखेगा तो वो जरूर माफ कर देगा। और जॉब मिल गई और इतनी अच्छी सैलरी ना हुई, और जरूरी भी नहीं है कि उस नौकरी की वजह से तुम्हें सजीला मिले। बात हुई थी सुबह उससे, बहुत खुश थी वो, सोचने लगी है तुम्हारे बारे में। इतने बेवकूफ तो हो नहीं तुम कि तुम्हें पता ना हो कि वो क्यों सोचने लगी है तुम्हारे बारे में? क्यों तुम अपनी खुशियों के दरवाजे खुद पर दोबारा बंद करना चाहते हो शानी? तुम्हें अल्लाह का वास्ता शानी, रहम खाओ हम पर। जिससे भी लड़कर आए हो जाकर उससे माफी मांग लो। ये क्या कह रही हैं आप? अगर तुम नहीं जा सकते तो मुझे ले जाओ, मैं माफी मांग लूंगी उससे। जब मेरी मजबूरियों को मेरी आंखों से बेहतर देखेगा तो वो जरूर माफ कर देगा। सफाई का मौका दो। कैसी सफाई? अगर मैंने इस वक्त आपको यहां नहीं रोका ना शानजे में, तो आप ना जाने मुझसे क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे, जो शायद मैं कभी पूरी ना कर सकूं। शानी इतना बड़ा मसला है नहीं जितना तू बना रहा है। वो होती कौन है मेरे बारे में इस तरह की राय रखने वाली? मोहसिन है। मोहसिन ने तुम्हारी काफी आसान किए हैं उसने तुम पे, और मजीद आसानात कर सकती है। तुम ऐसे कैसे मुनकर हो सकते हो उसके आसानों से? आसानों का मतलब ये होता है कि मुझे ऑन करने लगे, लोगों के सामने ये जिताने लगे कि जैसे मैं कोई खास हूं उसके लिए। ऐसे ऑन कर रही थी जैसे मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूं, बॉयफ्रेंड हूं। ऑन कर रही है ना, करने दो। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बड़ी कोई बेगैरती की बात की है सब तुमने। बेगैरती की बात नहीं है शानी, नए दौर की मोहब्बत है। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। इन टिपिकल बातों में अगर तुम फंसोगे तो अपना वक्त जाया करोगे और कुछ नहीं करोगे। अगर दोस्त समझ रही है तो समझ देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे जैसे या शायद तुमसे बेहतर लोग मौजूद हैं उसकी जिंदगी में। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी इतनी शानदार जॉब लग गई। Thank you.
तुम आ गए? हाय, शानी है घर पे? अब जी, कौन है बेटा? क्या काम है शानी से? अम्मी, ये भाई के बॉस की बेटी है ना, शानजे। वो मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहा, तो मैंने सोचा मैं खुद मिलके बात कर लेती हूँ। आपको क्या काम है उससे? इट्स ओके, मैं खुद बात कर लूंगी, चलती हूँ। लेकिन बेटा, मैं उससे क्या बताऊं? वो किसी बात पे नाराज हो गया था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही उससे मिलकर बात कर लेती हूँ। तो आओ बैठो तुम, अब शानी को बता देते हैं। जाओ बेटा, फोन कर दो उसे जल्दी। जी, जरा सा गुस्से का तेज है वो, किसी से लड़ बैठा होगा, लेकिन वो ऑफिस आएगा कल, जरूर आएगा। आर यू श्योर? आपको यकीन है कि वो आएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल, इतनी अच्छी नौकरी मुश्किल से ही मिलती है, आएगा वो। अब आओ आओ बैठो, आ जाओ बेटा। बैठो। हेलो शानी, जल्दी घर आओ, मेहमान आए हुए हैं। आओगे ना तो खुश हो जाओगे, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आप ही, आप चाय बनाए, मैं बेकरी से होके आता हूँ। सुनो, क्या वो हमारे घर की चाय पी लेगी? अरे क्यों नहीं पियेंगी, वो नहीं पियेंगे तो हम पार्टी कर लेंगे। मैं बस बेकरी से होके आया, और हाँ, है बहुत प्यारी वो। अम्मी, मैं चाय बना के लाती हूँ। बात हुई आपकी शानी से? जी जी, वो आ रहे हैं। बेटा, मेरा शानी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसे मालिक मिले। कभी कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाया करे तो उसे माफ कर दिया करे, क्योंकि शानी की जॉब इस घर की जरूरत है। आप रो क्यों रही आंटी? और शानी को कोई जॉब से नहीं निकाल रहा, वो तो गलत फहमी हो गई थी उसे, मैं वही दूर करने आई हूँ। घर की परेशानियों और तकलीफों ने उसे छोटी सी उम्र में घेरे में ले लिया था। बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, सबसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन हालात इंसान को तलख बना देती है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, वरना कौन किसी के लिए चल कर आता है? आप भी बहुत अच्छी हैं आंटी, परेशान ना हो। आप परेशान होंगी तो आपको देख के शानी भी परेशान रहेगी। बेटा, कौन मर्जी और खुशी से परेशान होता है? आंटी, शानी ने रिजाइन दे दिया। नहीं छोड़ेगा वो ये जॉब। आप उसे वादा करें कि वो कल से ऑफिस आएगा। हाँ, मैं उसे समझाऊंगी, आएगा वो जरूर ऑफिस आएगा। नहीं, आप वादा करें कि वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा। अरे हाँ हाँ, मैं राजी कर लूंगी उसे।
रुक रुक रुक, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? यार ये तो उसी की गाड़ी है। किसकी? शानसे की। हाँ? क्या बात कर रहे? और तेरी तो पांचों उंगलियां घी में। जा जा अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा भाई। बात सुन, अच्छे से बात करना। पता है, पता। मैं तुमसे पक्का वादा करती हूँ बेटा कि वो ऑफिस जरूर आएगा, वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा। उसे हमारे लिए ये नौकरी करनी ही होगी। तुम बहुत अच्छी हो शान से, इतना ख्याल शानी का और हमारा करती हो कि बस क्या बताऊं। इतना ख्याल तो कोई अपना ही कर सकता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार है, वो अपनी फैमिली की खातिर कभी ये जॉब नहीं छोड़ेगा। इतने अच्छे मालिक उसे कहाँ मिल सकते हैं भला। कितनी बड़ी बात है कि तुम यहाँ तक उसकी खातिर चली आई। लो आ गया शानी, मैं उससे खुद पूछ लेती हूँ। शानी तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे ना बेटा? देखो खास तौर से तुम्हारी वजह से घर तक चल कर आई है, मैंने बता दिया है कि कल आ जाएगा शानी जॉब पे। अभी मैं बता चुका हूँ। आप बता तो चुके हो बेटा, अगर किसी की बात बुरी लग गई तो मालिक खुद रफा दफा करने घर आ गया। बस अब जाने दो, खत्म करो गुस्सा। क्यों शांजे बेटा? अभी आंटी बता रही थी मुझे कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, तो मोहब्बत करने वाले तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते। अरे आप खड़ी भी क्यों है? ये सब कुछ आपके लिए लेके आया हूं। नहीं नहीं अभी नहीं, फिर कभी आऊंगी तो साथ चाय पियेंगे। अरे भाई पहली दफा आई हो, मैं बगैर चाय पिए नहीं जाने दूंगी। अरे चाय बिल्कुल तैयार है, मैं तो सिर्फ जुगनू का इंतजार कर रही थी। अरे शानी बेटा तुम ही कह दो ना इनसे कि हमारे साथ चाय पी कर जाएं। शानी आप कहते हैं तो ठीक है, मैं चाय पी के चली जाऊंगी। आओ बेटा बैठो, आगे आओ बेटा बैठो। शानी हद होती है बेमुरव्वती की, वो तुमसे मिलने आई और तुम यहाँ उठकर आ गए। आप जानती हैं मुझसे मिलने आई है, फिर भी बिठा लिया आपने उसको। मैं तुम्हारी तरह बेमुरव्वत नहीं। और वो जुगनू बेकरी से पता नहीं क्या क्या उठा के ले आया पागल। अरे भाई जब सारे कर्ज अदा होंगे तो वो भी उतर जाएगा। अभी तुम जाओ अंदर, जाओ बैठो उसके पास, चलो। से एक जोड़ा निकाल रहा हूँ। कौन सा वाला? वो जो रमशा ने तुम्हें दुबई से ला के दिया था ना, वो ले आओ। पहली बार आई है ना, मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाह रही। ठीक है। वहाँ पे ना मैं भाई की बाइक पर निकला हूँ अपने कॉलेज के लिए। भाई मैं आपकी चाय गर्म करके लाया हूँ। नहीं नहीं रहने दो, तुम्हारे भाई का मिजाज वैसे ही बहुत गर्म है। अरे नहीं नहीं मैं तो अपने भाई को शुरू से कहता हूँ कि इनका मिजाज बहुत ही ठंडा है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं इनको कुछ नहीं पता। अच्छा तुम जाओ यहाँ से, मैंने कुछ बात करनी है, जाओ। आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ। तुम फोन बंद करोगे मैं फिर आऊंगी। जबरदस्ती है क्या? दोस्ती है, दोस्ती इतना हक तो देती है। हाँ लेकिन इतना हक नहीं देती कि आप मेरा तारुफ ही बिगाड़ दें। मतलब
मतलब ये कि आपने अपनी दोस्त के सामने मेरा जो तारुफ कराया वो बिल्कुल गलत था। तुम इस वक्त गुस्से में हो, बाद में बताऊंगी। और मैंने तुम्हारा तारुफ बिगाड़ा नहीं था, सवारा था। बस कर दो इट्स अ रिक्वेस्ट। जिंदगी में हमेशा ऑर्डर किया है मैंने, रिक्वेस्ट पहली बार कर ली। अरे बेटा तुम खड़ी क्यों हो गई, बैठो ना। आंटी बस अब इजाजत दीजिए। बेटा तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, तुम्हारी शायान शान तो नहीं है लेकिन कहते हैं कि बेटियों को खाली हाथ घर से नहीं भेजना चाहिए। क्या हुआ बेटा? बस आंटी कभी इतना प्यार अपनापन मिला ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत में हमेशा याद रखूंगी। जीती रहो, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। कल ऑफिस आओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। दुनिया में भी कैसे कैसे लोग हो, गुरूर तो नाम को नहीं है इस बच्ची में, है ना शानी? जी। बेटा तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, तुम्हारी शायान शान तो नहीं है लेकिन कहते हैं कि बेटियों को खाली हाथ घर से नहीं भेजना चाहिए। तुम्हारे घर में इतना सुकून था शानी, और यहां इतनी दौलत होने के बावजूद कुछ हासिल नहीं। बिल्कुल अकेली हूं मैं, काश तुम्हारे घर का सुकून मुझे हमेशा के लिए मिल जाए। सुना है कि जब कोई खुश हो उसे अपनी हैप्पीनेस शेयर करनी चाहिए। आपको खुश लग रही हूँ मैं, दिख रही हो। अब ये बताओ कि तुम मुझे बताओगी या फिर आई हैव टू फाइंड आउट माईसेल्फ। कोई खास वजह नहीं है। तुम अपनी मॉम को नहीं बताओगी? नथिंग स्पेशल, ट्रस्ट मी। रमला तो कुछ और कह रही है। रमला ने फोन किया था आपको? फिर तो उसने कंफर्म करने के लिए फोन किया होगा, है ना? नहीं, उसकी कॉन्फर्मेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे तो बताओ क्या कोई आया है तुम्हारी जिंदगी में? मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है। यस। नाइस। कौन है, कहाँ मिली, टेल मी एवरीथिंग। बता दूंगी मामा, बल्कि मिलवा भी दूंगी। सून आई होप। डोंट वरी मॉम। Thank you.
उस वक्त गुस्से में हूँ, बाद में बताऊंगी। और मैंने तुम्हारा तारुफ बिगाड़ा नहीं था, सवारा था। अब बस कर दो इससे रिक्वेस्ट। जिंदगी में हमेशा ऑर्डर किया है मैंने, रिक्वेस्ट पहली बार करी।